सैमसंग की तरफ से वन यूआई 6 और वन यूआई 7 अपडेट के अंदर काफी बड़े चेंजेस हैं वो होने वाले हैं और इस वीडियो में सभी फीचर्स हैं उन्हीं के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं जो कि आपको चेंज देखने को मिलेंगे। सो वीडियो आप लोग एंड तक वॉच करते रहिए। अगर आप लोग एक सैमसंग का स्मार्टफोन है वो यूज करते हो, वीडियो आपको पसंद आती है, अभी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आपके स्मार्टफोन के लिए। जैसे अपडेट आएगा इसी चैनल पे आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। वन यूआई 6.1 अपडेट के अंदर हमें कुछ इस टाइप का जो कंट्रोल सेंटर है वो मिलता है जो कि अपने आप में काफी अच्छा कंट्रोल सेंटर है, लेकिन सैमसंग की तरफ से पिछले 2 साल के अंदर कंट्रोल सेंटर को ज्यादा चेंज है ना वो नहीं किया गया है। तो इस बार आपको एक नई ऑल न्यू डिजाइन है वो देखने को मिलने वाली है, जिसकी डिजाइन है ना गाइस वो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। ब्राइटनेस स्लाइडर, वॉल्यूम स्लाइडर दोनों की डिजाइन है वो हमें चेंज देखने को मिलती है और नीचे की तरफ इस बार हमें इनबिल्ट यहां पर जो मीडिया प्लेयर है वो भी यहां पर देखने को मिल जाता है। लेटेस्ट कुछ इमेज है वो काम निकल के आ रही है कंट्रोल सेंटर की, जिसके अंदर हमें बैकग्राउंड ब्लर है वो काफी अच्छे से देखने को मिल रहा है जब हम लोग कंट्रोल सेंटर को यहाँ पर ओपन करके रखते हैं। आप लोगों को गाइस अगर एक अच्छी क्वालिटी की पावर बैंक बाय करनी है तो सैमसंग की ये वाली पावर बैंक है वो वन ऑफ दी बेस्ट है। इसके अंदर आपको वायरलेस चार्जर मिल जाता है, बाकी चेकआउट कर लेना इस वीडियो को। सेकंड चेंज है वो हमें मिलेगा म्यूजिक प्लेयर के अंदर। तो मीडिया प्लेयर है उसकी डिजाइन हमें यहाँ पर कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है। अभी के लिए मैं सॉन्ग को आगे कर देता हूँ तो आप लोग देख सकते हो वेव टाइप की जो डिजाइन है वो हमें मिल जाती है जब हम लोग कंट्रोल सेंटर को ओपन करके रखते हैं। अब इसी चीज को आप लोग अगर लॉक स्क्रीन के अंदर देखते हो तो हमें कुछ इस प्रकार की डिजाइन मिलती है जहां पर मीडिया प्लेयर है ना वो आपको बीच में सेंटर में देखने को मिलता है, और इसी चीज को आप लोग वन यूआई 7 अपडेट के अंदर देखोगे तो एकदम बॉटम में आपको ये वाली चीज है वो मिलेगी। और इसकी एक प्रॉपर वीडियो है ना वो भी यहां पर आ चुकी है, जिसके अंदर आप लोग देख सकते हो हमें यहां पर कुछ इस टाइप की एनिमेशन है वो यहां पर देखने को मिलेगी, जिसका नया फीचर का नेम है सैमसंग नाउ बार। नीचे की तरफ क्लिक करोगे तो मीडिया प्लेयर है ना वो यहाँ पर इस प्रकार से एक्सपेंड हो जाएगा। थर्ड बड़ा चेंज लोग है वो हमें मिलेगा आइकन्स के अंदर। पहले के आइकन्स कुछ इस प्रकार के दिखाई देते हैं, 2 से 3 साल हो चुके हैं सैमसंग की तरफ से इन आइकन्स को चेंज नहीं किया गया है, जबकि आपको वन यूआई 7 अपडेट के अंदर ये सभी आइकन्स है वो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से देखने को मिलने वाले। आप लोग मेरे फोन के अंदर देख सकते हो इन सभी आइकन्स को मैं अपने फोन के अंदर ऑलरेडी अभी वन यूआई 6 अपडेट के अंदर यूज कर पा रहा हूँ, तो आपको कुछ इस प्रकार के आइकन्स हैं वो देखने को मिलेंगे। और आपको जानना है कि कैसे आप लोग अपने फोन के अंदर ये सभी आइकन्स फ्री में कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, सो ऊपर आई बटन पे लिंक वीडियो है उसको कंप्लीट वॉच कर लेना। नेक्स्ट बड़ा चेंज है वो आपको मिलेगा बैटरी आइकन के अंदर। वन यूआई 7 का बैटरी आइकन है वो हमें कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है, लेकिन ये वाला आइकन है वो चेंज होके कुछ iOS टाइप का आप लोग कह सकते हो वैसा आइकन है ना वो हमें मिलेगा, जिसकी डिजाइन है वो यहाँ पर आ चुकी है। अब गाइज ये वाला जो बैटरी आइकन है वो आपको कैसा लग रहा है नया वाला, कमेंट करके आप लोग जरूर से हमें बता सकते हो। लॉक स्क्रीन के अंदर एक और काफी बड़ा हमें चेंज है ना वो मिलेगा, जैसे कि हमने इस बार हमें कुछ इस प्रकार के आइकन्स है वो अप्लाई करने का ऑप्शन देखने को मिलता है, और इन विजेट्स के अंदर आप लोग देख सकते हो बैकग्राउंड ब्लर है ना वो काफी ठीक ठाक देखने को मिलता है, लेकिन इसी सेम चीज को आप लोग वन यूआई 7 अपडेट के अंदर देखोगे तो बैकग्राउंड ब्लर की जो इंटेंसिटी है उसको काफी इंक्रीज किया गया है। ये है वन यूआई 6 के आइकन्स और ये है वन यूआई 7 के आइकन्स। नेक्स्ट बड़ा चेंज हमें मिलेगा लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन के अंदर। सैमसंग की तरफ से एक नया फीचर है वो इस बार वन यूआई 7 अपडेट के अंदर एड होने वाला है। मैंने आपको मीडिया प्लेयर की जो डिजाइन है वो बताई थी, उसके अंदर भी इस फीचर के बारे में बताया था कि एक नया फीचर आने वाला है नाउ बार नेम का, जिसके अंदर आप लोग देख सकते हो अभी हमें कैसा भी फीचर है ना वो नहीं मिलता है, ये वाला स्पेस है वो पूरा खाली रहता है। लेकिन सैमसंग की तरफ से इस बार क्या किया जाएगा, एक इस टाइप का जो एक्शन है ना वहां पर एड किया जाएगा। अब यहां पर हम लोग डायरेक्शन, मीडिया प्लेयर, म्यूजिक, काफी सारी चीजों को यहाँ पर यहीं से कंट्रोल कर पाओगे, और इस पे अगर आप लोग क्लिक कर देते हो ना तो यहाँ पर ये एक्सपेंड होके हमारा जो मीडिया प्लेयर है वो हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देने वाला है, और कस्टमाइजेशन के अंदर भी कुछ नए फीचर है वो यहाँ पर एड किए जाएंगे। नेक्स्ट बड़ा चेंज है वो हमें मिलेगा एप ड्रोवर के अंदर। अभी एप ड्रोवर में आपको सर्च बार का जो ऑप्शन है वो सबसे ऊपर की तरफ देखने को मिलता है, तो जैसे कि सैमसंग के जो बड़े साइज के स्मार्टफोन है ना अल्ट्रा साइज के, उनमें
वन हैंड से इसको यूज करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, टाइम भी लग जाता है। तो आप लोग देख सकते हो सैमसंग ने एक चीज इंप्रूव करी है वन यूआई सेवन अपडेट के अंदर, सर्च बार का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर बॉटम में प्रोवाइड कर दिया गया है, ताकि कितना भी बड़ा फोन हो वन हैंड से हम लोग इसको यहाँ पर इजिली यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट फीचर, हालांकि ये वाला फीचर अभी कुछ कन्फर्म तो नहीं है, जैसे कि मान लो हमने एक फोल्डर है उसको क्रिएट किया है, अब आप लोग इस पे क्लिक करके रखोगे तो हमें कोई भी बड़ा कस्टमाइजेशन करने का फीचर है ना वो नहीं मिलता है, लेकिन वन यूआई सेवन अपडेट के अंदर हम लोग इतना बड़ा एक फोल्डर है वो यहाँ पर क्रिएट कर पाएंगे, जिसकी फोटो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। ये जो चीजें है ना वो शाओमी, वन प्लस, रियलमी, ओप्पो उनके अंदर पहले से प्रेजेंट है, और वन यूआई सेवन के अंदर भी हमें इस प्रकार की कस्टमाइजेशन है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अब जैसे कि लॉक स्क्रीन पे मैंने कोई भी एक सॉन्ग है वो प्ले करके रखा है, तो आप लोग देख सकते हो इसकी डिजाइन है वो हमें काफी सिंपल सी देखने को मिलती है, बैकग्राउंड है वो भी इजीली विजिबल है, लेकिन ये आधा कटा हुआ है क्योंकि मीडिया प्लेयर है वो आ चुका है। अब इसी चीज को आप लोग वन यूआई सेवन अपडेट के अंदर देखोगे तो जब आप लोगों ने सॉन्ग प्ले करके रखा होगा तो आपका जो भी वॉलपेपर हो वो सबसे पहले यहाँ पर ब्लर हो जाएगा, ताकि कटाफटा वॉलपेपर है वो हमें ना देखने को मिले। ऊपर की तरफ हमें एक बिग साइज के अंदर आपको एक एल्बम मिलेगा जहां पर जो भी आपने सॉन्ग प्ले करके रखा है उसकी फोटो या फिर टेक्स्ट है वो आपको दिखाई देगा। नीचे हमें मीडिया प्लेयर है वो मिल जाएगा, जिसको कि हम लोग यहां से भी यूज कर पाएंगे, लेकिन अभी ये जो स्क्रीनशॉट है इसके अंदर फोन है ना वो चार्जिंग पे है, तो ये जो सुपर फास्ट चार्जिंग का जो टॉगल है ना वो यहाँ पर हमें शो हो रहा है। नेक्स्ट बड़ा चेंज है वो हमें मिलेगा रिसेंट मेन्यू के अंदर। अभी हम लोग जैसे रिसेंट मेन्यू को ओपन करते हमें कुछ इस प्रकार की डिजाइन है वो देखने को मिलती है, जो कि आपको यहाँ पर पता ही होगी, आप लोग अगर एक सैमसंग का स्मार्टफोन है वो यूज करते हो, लेकिन वन यूआई सेवन अपडेट के अंदर आप लोग रिसेंट मेन्यू को ओपन करोगे तो iOS टाइप की हमें इस प्रकार की डिजाइन है वो देखने को मिलेगी, जो कि काफी कमाल की है, और एनिमेशन है वो भी आप लोग गाइस यहां पर देख सकते हो। अब जो नेक्स्ट बड़ा चेंज लोग है वो हमें मिलेगा एनिमेशन के अंदर, जैसे कि अभी मैंने यहां पर कुछ इस प्रकार की एनिमेशन है वो हमें देखने को मिलती है, काफी स्मूथ है, लेकिन कुछ ऐसे स्मार्टफोन है सैमसंग के बजट और मिड रेंज जिसके अंदर ये एनिमेशन है वो इतनी स्मूथ नहीं है। अब आप लोग इस वीडियो को देखिए जो कि वन यूआई सेवन की है, इसके अंदर हमें ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन है वो यहाँ पर काफी फास्ट देखने को मिलती है। नेक्स्ट चेंज है वो हमें मिलेगा गैलेक्सी एआई की एनिमेशन के अंदर। अभी हमें वन यूआई सिक्स अपडेट के अंदर गैलेक्सी एआई की एनिमेशन है वो कुछ यहाँ पर इस प्रकार की देखने को मिलती है, लेकिन वहीं गाइस आप लोग वन यूआई सेवन अपडेट के अंदर चेक करोगे तो एनिमेशन के अंदर हमें एक काफी बड़ा चेंज है ना वो देखने को मिलेगा, जहां पर आप लोग देख सकते हो ये वाली एनिमेशन है उसके आने के पूरे पूरे चांसेस है। अब आपको लास्ट में ये जानना है कि आपके स्मार्टफोन के लिए अपडेट मिलेगा या फिर नहीं, बीटा अपडेट की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं, तो इसके ऊपर 6 डे पहले हमने एक वीडियो अपलोड करी है, इसकी भी लिंक ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगी। इस वीडियो को वॉच करके आपको पता ये चलेगा कि आपके स्मार्टफोन के लिए बीटा अपडेट है वो आपको कब तक देखने को मिलेगा, और इस वीडियो को भी चेकआउट कर लेना अगर आपको सैमसंग की एक काफी अच्छी पावर बैंक है उसकी यहां पर नीड है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो, और सैमसंग का टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लेना। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।